ये कौन सा चेक पोस्ट है भैया? इसको भी LOC का है। अच्छा LOC का। हाँ हाँ। So, hi to all, मेरा नाम तुषार और मैं अभी नानक मेहता पब्लिक स्कूल में वहाँ पे अभी फेलो करके वर्क कर रहा हूँ। तो आज मुझे लगा कि मेरे जो वहाँ पे कुछ जो साथी है, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिनको जिनके साथ में पढ़ता और पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं जो खल्याण खास नाला है, मतलब यहाँ पे जो हमारी इंडिया का ये जो गेट है, ओके, जो इंडिया का गेट हमें दिखाई दे रहा है और इस ब्रिज के उस पार में पाकिस्तान शुरू होता है। तो ये खल्याण खास नाला पाकिस्तान और इंडिया को फिजिकली डिवाइड करता है, आई मीन बॉर्डर के अकॉर्डिंग अगर देखो तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तान से कुछ सोल्जर्स है, वी कैन सी द पाकिस्तानी सोल्जर, तो जो हमें हाई कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान में गए तो वहाँ वो हमारे लाइक एनिमीज है वगैरह वगैरह, लेकिन ये बाहर लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लाइक वहाँ पर भी इंसान रहते हैं, यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, और हमें मतलब एकदम जिसे हम फ्रेटर्निटी कहते हैं, है ना, कि जो ह्यूमैनिटी है तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए हमें सभी बातें समझनी चाहिए, है ना। से या फिर मतलब बहुत सारी जगहों से पाकिस्तान से लोग इधर पे आते थे, यहाँ से लोग पाकिस्तान में जाते थे, लेकिन लाइक 2014 के बाद ये थोड़ा बंद हुआ, आई मीन ये रास्ता बंद कर दिया गया और बहुत सारे वाद चलते गए, है ना, बहुत सारे लाइक प्रॉब्लम्स आते गए, लेकिन फिर और हमें यहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात जानी, कुछ बातें जानने को मिली कि यहाँ से अभी भी यहाँ पर जो लोकल लोग रहते इनके कोई रिलेटिव्स हमें पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान के कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो हम थोड़े यहाँ पे जो लोग कुछ लोकल लोग हैं तो इनसे थोड़ी बात पूछेंगे, थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे इस बात की, तो ओके। सो यहाँ पे हमारे साथ इंशा है जो हमें लाइक जो अभी जब बचपन में थे तब आप पाकिस्तान गए थे ना, बस तो ये बताएंगे कि मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, कैसे कैसे रहा था। एक्सपीरियंस वाज सेम ही, जैसे यहाँ के लोग हैं वैसे ही सेम उनका भी कल्चर है, यहाँ के जो सामने वाला ओके उनका सेम ही स्टैंडर्ड है, तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट भी चलता था, यहाँ के बाहर जाते थे, वहाँ के काफ़ी रिलेशन से हम लोग उस टाइम पर जाते थे। आफ्टर दैट जब से मतलब हो गया तो ये फिर ट्रेड वगैरह बंद कर दी, अब हम लोग जो है यहीं पर जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। थैंक यू। सारे जो आप देख रहे हैं उसके पार पाकिस्तान है, ठीक है, जस्ट 100-200 मीटर पे यहाँ पहले नॉर्मल था, ठीक है, 2016 से पहले यहाँ पर गाड़ियाँ जाती थी, पाकिस्तान लोग जाते थे, विजिट करते थे, ठीक है, उसके बाद अभी बेल लगाए इस पर यहाँ से नहीं जा सकते, ठीक है, पहले यहाँ पे कौन से साल तक जा सकते हैं, 2016 से पहले उसके बाद बंद हो गया, ट्रेड होती थी यहाँ से, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं इधर दिखाना है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से ओके कुछ चपोटी बोल पहला भी नहीं जाता। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था? हाँ होता था, 2016 से पहले जाते थे, जब पहले जाते थे, ओके। सो यहाँ पे हम कमन अमान सेतु से अभी निकल रहे हैं, तो मेरा लाइक वीडियो बनाने का, ये मेरा दोस्त है आदित्य, हाय। सो मेरा वीडियो बनाने का वगैरह लाइक मोटो ये था कि यार यूजुअली क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ फोबिया रहता है ना, कि बॉर्डर पे क्या होता होगा, वहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे, और मतलब लोगों के बीच में किस टाइप का लाइक वहाँ पे कोई टेररिज्म होता होगा, टेररिस्ट लोग होते होंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है ना। यहाँ पे मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जितने लोगों के साथ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ के लोगों में फ्रेटर्निटी दिखती है, अपनापन दिखता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाहर से जो एलियंस है ना, आई एम नॉट एलियंस की एलियंस मीन जो बाहर से लोग आए हैं, है ना, यहाँ पे देखने के लिए, तो उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट रहता है, जिसे भाईचारा कहते हैं, अपनापन कहते हैं, तो ये बातें मैंने यहाँ पे देखी है, और बस यही बताने का मेरा एक मोटो था, क्योंकि वहाँ पे
जो हमने कुछ पाकिस्तान के जो सोल्जर थे उन्होंने हमें लाइक हाई करा, वो वीडियो में कैप्चर करना रह गया। तो बस यही कि यही कहना था। सो चलो फिर बाय। हम यहाँ पे इंशाद और आदित्य और जुनेद भैया के भाई जो है इनके साथ आए हैं यहाँ पे। तो बाय।